स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल MH प्रॉपर्टी ब्लॉग पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम अपने चैनल पर आपके लिए अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी लाते रहते हैं, तो आज हम आपके लिए राधा कृष्ण एनक्लेव में जो कि NH24 से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है वहां पर आपके लिए इंडिपेंडेंट फ्लोर लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे फ्लोर है, ये अभी काम प्रोग्रेस में है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन ये 10 से 15 दिन में बिल्कुल कंप्लीट होने वाले हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर तक आपको फ्लोर मिलने वाले हैं। बात करें फोर्थ फ्लोर की, अगर आप फोर्थ फ्लोर परचेज करते हैं तो आपको साथ ही साथ में आपको पेंट हाउस मिलता है, या हम कह सकते हैं टेरेस गार्डन, वो उसके साथ में आपको फ्री मिलने वाला है। छत है वहाँ पे, एक वन रूम सेट है वहाँ पे, एक रूम बना हुआ है ऑलरेडी, और बाकी आपको हम डेवलप करके देंगे, ग्रीनरी वगैरह हम लगा के देंगे वहाँ पे, तो आपका बेनिफिट होने वाला है अगर आप फोर्थ फ्लोर परचेज करते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, नीचे आपको देखिए पार्किंग भी मिल जाती है, पार्किंग का काफी अच्छा स्पेस रखा गया है, पार्किंग भी आपको मिलने वाली है। काम देखिए कंटिन्यूसली चल रहा है, पत्थर लग रहे हैं पार्किंग में, देख सकते हैं आप काम बहुत तेजी से चल रहा है यहाँ पे, तो जल्द से जल्द काम पूरा होने वाला है। जब तक आप विजिट करेंगे तब तक हो सकता है यहाँ पे सारा काम हो चुका हो। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल 4 फ्लोर है, मैं आपको बता दूँ, तो आपको यहाँ पे पार्किंग भी 4 गाड़ियों की मिल रही है, वरना मतलब कि हर फ्लोर के लिए एक पार्किंग है यहाँ पे। तो आपको बता दें ये इंडिपेंडेंट फ्लोर है, तो एक फ्लोर पर बस आपको एक ही फ्लैट मिलने वाला है, तो आपकी 4 पार्किंग ऑलरेडी है यहाँ पर अवेलेबल। अच्छा हम बात करें यहाँ पे फ्लोर की, फ्लोर आपको कितने गज का पड़ने वाला है, कितने स्क्वायर फीट का पड़ने वाला है दोस्तों, तो आपको 900 स्क्वायर फीट का 3 BHK फ्लैट मिलने वाला है, यानी कि 3 BHK इंडिपेंडेंट फ्लोर, जहाँ पे आपको 3 कमरे मिल जाते हैं, प्लस आपको लॉबी एरिया मिल जाता है, 2 आपको वॉशरूम मिल जाते हैं, 1 आपको मॉडर्न किचन मिल जाती है, 1 आपको बालकनी मिल जाती है, 2 आपको डक्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर आप किचन में हैं तो भी आपको वहाँ पे खिड़की दी जा रही है, विंडो दी जा रही है। तो दोस्तों हम आपको ओवरव्यू भी दिखाएंगे फ्लैट का, सारी जानकारी देंगे। NH24 की प्राइम लोकेशन पर है, NH24 से मात्र 200 मीटर की दूरी पर राधा कृष्ण एनक्लेव में आपको ये इंडिपेंडेंट फ्लोर मिलने वाले हैं दोस्तों। तो इसका क्या तो प्राइस रहने वाला है और क्या क्या आपको मिलेगा यहाँ पे वो सब बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ऑल पे सेट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए। दोस्तों आप वीडियोस देखते हैं, हमें पता है हमारे 5-6 लाख व्यू आते हैं आप लोगों की तरफ से, लेकिन अगर 5 लाख लोग देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइब करें तो हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। तो प्लीज वॉच, केवल वॉच ही ना करें, वॉच के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी हम लाते रहे। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए चलते हैं, आपको ओवरव्यू देते हैं फ्लैट का। उससे पहले जब तक आप ओवरव्यू दे रहे हैं, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आगे मैं ओवरव्यू तभी दूंगी जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों। तो मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मुझे भरोसा है आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल का। मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिलने वाला है, यहाँ पर IGL की गैस पाइपलाइन ऑलरेडी है, कनेक्शन चालू है, आसपास में जो लोग रहते हैं उनको इसकी सुविधा मिलती है, तो आपको यहाँ पे सिलेंडर परचेज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको वो सुविधा मिलेगी, यहाँ पे ऑलरेडी फ्लैट में पड़ी हुई है लाइन। अच्छा दोस्तों अब हम चलते हैं, आपको फ्लैट का ओवरव्यू देते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर में, आप देख सकते हैं अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है काम, वैसे तो सब कुछ कंप्लीट है, बस थोड़ा सा फिनिशिंग रह रही है, जैसे आप देख सकते हैं गेट लगनी है, विंडो के कांच वगैरह हो गए, आपका मॉडुलर किचन, फॉल सीलिंग वगैरह ये रोनी बाकी है, बाकी आपका नीचे टाइल वगैरह लगनी है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा जो एरिया है यहाँ पे आपको किचन मिलेगी, POP डिजाइन जो है ये आप देख सकते हैं, किचन में POP डिजाइन है, ऐसे ही आपको सब कहीं पे करके दिया जाएगा। ऊपर यहाँ पे लॉबी एरिया में आपको 4 सीलिंग करके दी जाएगी, तो आपका हमारा ये जो है ये लॉबी एरिया आप देख सकते हैं, काफी स्पेस है यहाँ पे, आप सोफे वगैरह भी डाल के आराम से, दीवान बेड भी डाल सकते हैं, छोटा सा सीटी वगैरह डाल सकते हैं, काफी बड़ा एरिया है ये। तो ये हमारा जो यहाँ आपको दिखाया ये इंडिपेंडेंट फ्लोर है, आप हम इसे फ्लैट नहीं कह सकते क्योंकि एक फ्लोर पर एक ही आपको फ्लैट मिलने वाला, तो ये इंडिपेंडेंट फ्लोर है, मतलब एक फ्लोर पर एक ही फ्लैट बना हुआ है, ये हमारा काफी अच्छा स्पेस है, 900 स्क्वायर फीट का है ये टोटल, देख सकते हैं हमारा ये एक हमारी ये बाथरूम हो जाती है जो लॉबी एरिया में कॉमन बाथरूम, जिसे सभी यूज कर सकते हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। आप ये हमारा अंदर मास्टर बेडरूम है, आप देख सकते हैं ये हमारी डकोजा हो जाती है, यहाँ पे आप विंडो एसी लगा सकते हैं या चाहे तो आप कूलर लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें अपने हिसाब से। ये हमारा बाथरूम हो जाता है जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है, सेपरेट बाथरूम है,
अभी काम चल रहा है, पीओपी वगैरह हो रखी है रूम में कहीं कहीं। ये हमारा, ये देखिए हमारा किचन है जो मैंने आपको बताया था, किचन में ऊपर देखिए पीओपी वगैरह हो रखी है और किचन में भी आपको विंडो दे रखी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम काम वाम करते हैं आप चिमनी लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन लगा सकते हैं अपने हिसाब से जो आपके बजट में फिट है। तो हमारी यहाँ पे भी डक दे रखी है, यानी कि किचन में भी आपको डक मिल जाती है, अंदर मास्टर बेडरूम में भी आपको डक मिल जाती है। फिर हमारा ये बाथरूम, कॉमन बाथरूम मैंने आपको दिखा दिया, ये हमारे दो कमरे हो जाते हैं, एक तो ये हो गया हमारा रूम, एक ये बेडरूम है हमारा। देख लीजिए यहाँ पे आपको ये जो हमारा स्पेस है, मैं आपको बता दूँ ये स्पेस यहाँ पे आपको एलमीरा लगा के दी जाएगी इस स्पेस में। यहाँ पे भी देखिए पीओपी वर्क ऊपर आप देख सकते हैं हो गया है, काम यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है। आप 15 दिन बाद भी आएंगे जब तक आपकी विजिट होगी, ये तो हम सारा कम्प्लीट ही कर चुके होंगे। ये हमारी बालकनी हो जाती है, ये हमारी कॉमन बालकनी है, दोनों ही आप देख सकते हैं, एक तो इस वाले रूम से भी और ये जो दूसरा रूम है, दोनों रूम से आप बालकनी में आ सकते हैं। तो दोनों रूम से एंट्री दी गई है बालकनी की। ये हमारा दूसरा रूम हो जाता है, दूसरा बेडरूम, और इस बेडरूम में भी आपको एलमीरा के लिए स्पेस दिया गया है देख सकते हो। और पीओपी देखिए ऊपर पीओपी भी रह गई है, नीचे आपको टाइल वगैरह लगा के दी जाएगी, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो टोटल आपका ये 3 BHK फ्लोर होने वाला है, 3 BHK मास्टर बेडरूम, 2 बेडरूम ये हो गए हमारे, एक हमारा लॉबी एरिया हो गया, किचन सब चीज, और 2 वॉशरूम मिल रहे हैं आपको साथ में, एक तो आपका अटैच रूम से है, एक आपका कॉमन है, वो आप ये जो सामने वाले रूम है इनसे भी यूज कर सकते हैं, जो लॉबी में बंदा रहेगा वो भी यूज कर सकता है, मतलब कॉमन वॉशरूम मिल रहा है आपको। तो टोटल 900 स्क्वायर फीट में ये हमारा फ्लोर बना हुआ है, इंडिपेंडेंट फ्लोर है ये, यहाँ पे एक फ्लोर में मात्र एक ही आपका फ्लैट रहने वाला है, दूसरा नहीं है। अभी यहाँ पे काम चल रहा है, अभी यहाँ पे सील स्टार्ट नहीं हुई है। तो दोस्तों ये जो हमने आपको इसका ओवरव्यू दिया, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, इसके बाद में सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, एंड देन फोर्थ फ्लोर है, टोटल 4th फ्लोर है यहाँ पे। तो जो 4th फ्लोर है अगर आप उसे परचेज करते हैं तो उसमें आपका बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आपको वहां पे रूफ राइट्स मिल रहे हैं, सीधे शब्दों में बताऊं छत आपको अपनी मिल रही है सेपरेट, तो उसमें पेंट हाउस बना के दिया जा रहा है छत में आपको। तो एक रूम वहां पे बना हुआ है ऑलरेडी 4th फ्लोर की छत पर, और वहां पे हम आपको पेंट हाउस बना के देंगे, बहुत सुंदर आप टेरेस गार्डन बोल सकते हो या पेंट हाउस बोल सकते हो, वो हम डेवलप करके देंगे आपको अपनी तरफ से, या आप उसे स्काई विला भी कह सकते हो, जो कि आपने अभी तक जो फ्लैट लिए होंगे तो अभी तक ऐसा कुछ आपको नहीं मिला होगा, पर यहाँ पे आपको हम एक बेनिफिट दे रहे हैं, क्योंकि भाई 4th फ्लोर वाला होता है वो सबसे ऊपर लेता है, तो उसे भी तो स्पेस होना चाहिए, अगर उसे बाहर टहलने आया तो नीचे आना पड़ता है उसे, तो उसके लिए हमने टेरेस में ही एकदम ये मानिए ग्रीनरी का ख्याल रखा है, एकदम उसके लिए टेरेस गार्डन टाइप का बना के दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं सबसे पहले 4th फ्लोर की, जो कि पेंट हाउस आपको साथ में मिलने वाला है, और उसमें भी ऊपर बता दो एक रूम बना हुआ है वहां पे, और बाकी हम डेवलप करके भी देंगे आपको, तो उसका अगर मैं बात करूं प्राइस की, तो वो आपका पड़ने वाला है हमारा 28 लाख रुपए का, यानी 28 लाख में आपको एक तो 4th फ्लोर मिलेगा, साथ में ऊपर आपको पेंट हाउस भी मिल जाएगा टेरेस गार्डन, ठीक है। अब बात करते हैं 1st फ्लोर की, 1st, 2nd और 3rd अगर आप परचेज करते हैं तो इसका प्राइस आपको 27 पड़ने वाला है आपको, 27 लाख रुपए। आप देख सकते हो 900 स्क्वायर फीट का है, काफी स्पेस है, 3 BHK आपका ये फ्लोर है, लोन की यहाँ पे फैसिलिटी है, आपको 80 से 85% तक लोन मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें एक शर्त ये है, आपका सिविल अच्छा होना चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके ओके होने चाहिए, लोन हम आपका करा के देंगे। तो दोस्तों आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कॉल करिए, क्योंकि ये जल्दी से जल्दी सेल होने वाली चीज है, ये रुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगी, फटाफट से आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और फटाफट से इस फ्लैट को बुक करें, बुकिंग अमाउंट मात्र 51,000 रुपए है, ज्यादा नहीं है। तो दोस्तों अब लोकेशन की बात कर लेते हैं, लोकेशन की बात करें तो हमारा ये जो इंडिपेंडेंट फ्लोर है NH24 से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी NH24 का जो हमारा हाईवे है वो बिल्कुल हमारे यहाँ से दिखता है, तो बिल्कुल NH24 के पास में है। और अगर हम इसकी बात करें कॉलोनी की, किस कॉलोनी में हमारे ये इंडिपेंडेंट फ्लोर होने वाले हैं, तो राधा कृष्ण एनक्लेव के नाम से हमारी ये कॉलोनी है जहां पर आपको ये इंडिपेंडेंट फ्लोर मिलने वाले हैं। दोस्तों बाकी कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, स्क्रीन पे आपको नंबर दे रखे हैं, आप जल्दी से नंबर पे कॉल करें, हमारे चैनल MH प्रॉपर्टी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल पे सेट करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे हैं मैम फ्लैट लेकर आइए, इंडिपेंडेंट फ्लोर लेके आइए, तो हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज हमारा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं इसमें तीसरी